नमस्कार दोस्तों, गुड़ा एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज हम गुड़ा पब्लिक स्कूल के सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान डिपार्टमेंट से रूबरू हो रहे हैं। हम लोग मिल रहे हैं सामाजिक विज्ञान के बहुत ही नामी फैकल्टी के रूप में, पूरा क्षेत्र जिन्हें जानता है, विजेंद्र जाखड़ सर से। विजेंद्र जाखड़ सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि सामाजिक विज्ञान भी आप सेकेंडरी लेवल पर बहुत अच्छे से टीच कर रहे हैं, इसी के साथ आप सीनियर लेवल पर आप ड्राइंग के लेक्चरर भी हैं, दो दो सब्जेक्ट्स को आप संभाल रहे हैं। इसके अलावा भी सामाजिक विज्ञान अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? जी निखिल जी, सर सामाजिक विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विस्तृत विषय है। इस विषय में विशेष करके चार अलग अलग पोर्शन चलते हैं। पहला होता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में हम अतीत की बातें आती हैं, जैसे मौर्य काल से लेकर के अंग्रेज़ों का भारत पर शासन होना है, या राजस्थान के राजपूत शासकों की साहसिक घटनाएं हैं, मराठाओं की हैं, इन सब के बारे में बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक इसमें रुचि कैसे रखें। तो उनको इन बारे में पहले कहानी के रूप में बताया जाता है, उसके बाद में बोर्ड पर इनके अलग अलग वंश वाइज बना करके और वंशावली के रूप में दर्ज करके इनको पढ़ाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आता है। पॉलिटिकल साइंस बच्चों का वैसे रुचिकर विषय है, अपन देखते हैं कि हर 5 साल में चुनाव आते रहते हैं इलेक्शनों के लिए, तो बच्चे बहुत रुचि से पूछते हैं उन चीज़ों को कि सर चुनाव कैसे होते हैं, क्या नहीं होता। तो राजनीति के बारे में बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि बच्चे उसमें विशेष खुद रुचि लें, ग्राम पंचायत की घटनाओं से लेकर के उनको राष्ट्रपति तक की हर चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी आ जाता है, तो ज्योग्राफी में भी ऐसी एक विषय ज्योग्राफी जिसमें बच्चों की खुद की रुचि हो जाती है, तो बच्चों को मैं साथ लेकर के चलता हूँ। बच्चों को जो चीज़ बोर्ड पे मैप बनाना है या फसलों का वितरण है उनके बारे में कलर के रूप में और विशेष करके प्रैक्टिकल भी मैं करवाता हूँ सर ज्योग्राफी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स में बच्चे वैसे ही सर रुचि रखना शुरू करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मैं बच्चों को हर एक एक बिंदु के रूप में बताता हूँ। सर 2006 से लेकर के आज तक मैंने बोर्ड के रिजल्टों में टॉप रिजल्ट मैंने भी दिया है, बच्चे बड़ी रुचि से इस चीज़ को पढ़ते हैं। सर जी सर। अब मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा रमेश जी गावड़िया सर से। गावड़िया सर, आप गुड मॉर्निंग जनरल साइंस में हैं और जनरल साइंस में आप हिंदी मीडियम को टीच करते हैं, तो लंबे समय से आप पढ़ा रहे हैं, तो इस दौरान आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हुए कैसा लगा? और स्पेशली मैं जानना चाहूँगा कि जीपीएस का जो जनरल साइंस का डिपार्टमेंट है उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर देखो, साइंस जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक परिपूर्ण सब्जेक्ट है जी। साइंस में क्या है, आजकल बच्चों की रुचि वो ज़्यादा है, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चे हैं वो भी मतलब साइंस लेने के इच्छुक रहते हैं जी, क्योंकि साइंस में आगे जाकर के बहुत सारी स्कोप हैं। मतलब जैसे हम छोटे लेवल पे लेना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल भर्तियां हैं, इसके अलावा नेवी एयरफोर्स के अलावा अपने डॉक्टर इंजीनियरिंग है, इसके अलावा अपने जो साइंस वैज्ञानिक जो क्षेत्र है अपना, इसमें भी मतलब बच्चे अपना मतलब करियर बना सकते हैं। तो साइंस में मैं क्या करता हूँ कि बच्चों को शून्य से स्टार्ट करता हूँ, मतलब उनकी जड़ मजबूत करता हूँ। उनकी जड़ जब मजबूत होती है तभी वो बच्चे आगे जाके सक्सेस होते हैं। तो मैं उनकी जो छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं, मतलब उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको क्लियर करता हूँ, तब जाकर बच्चे आगे साइंस में मतलब ज़्यादा रुचि लेते हैं। मेरे कई साथी अध्यापक कहते हैं कि ये बच्चे ज़्यादा साइंस क्यों पढ़ते हैं जी। तो साइंस में क्या है कि बच्चों की मैं रुचि बनाता हूँ, मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ क्लास में वो बिल्कुल एकदम हंसमुख होकर पढ़ाता हूँ, बच्चों को मतलब बोर नहीं होने देता हूँ, बच्चे मेरी क्लास में बिल्कुल खुश रहते हैं और उसी का मुझे ये परिणाम मिलता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 100% रहता है जी। हर साल जब रिजल्ट आता है तो ये देखते हैं कि 100% मतलब बच्चे साइंस में सौ में से कितने लाते हैं, तो वो जो मेरा रिजल्ट है या साइंस का जो मतलब नंबर जो आते हैं 100% वो मतलब निरंतर जारी है, 100 में से 100 लगातार आते हैं, अभी तक मेरा क्रम नहीं टूटा है। मैं अपने यहाँ गुड़ा क्षेत्र में 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ जी, तब से लेकर आज तक मेरा जो रिजल्ट है साइंस का वो बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं हुआ है, नंबर वन रिजल्ट रहा है इसमें, मतलब कोई भी काफ़ी लंबा टाइम 19 साल का आपको हो गया और सर। इस तरह से कह सकते हैं कि जीपीएस में जो जनरल साइंस का डिपार्टमेंट है जी सर, उस पर बहुत अच्छे से आश्वस्त हो सकते हैं हमारे गार्जियन और स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, नेक्स्ट सवाल मेरा संदीप सर से होगा। संदीप सर, आप तो इंग्लिश मीडियम के इंचार्ज भी हैं और इसी के साथ जनरल साइंस के आप सीनियर टीचर भी हैं, तो ये दोनों रेस्पॉन्स लेते हुए आप जो है ना इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, और स्पेशली आप जनरल साइंस के बारे में, जो इंग्लिश मीडियम की जनरल साइंस है उसके बारे में आपका क्या कहना है?
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग निखिल जी. गुड मॉर्निंग सर. एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट विदाउट द प्रैक्टिकल वी कैन नॉट थिंक अबाउट द साइंस. ओके. हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाएं, एवरी इवेंट इज रिलेटेड टू द साइंस. ओके. सो अगर हम बच्चे को इन घटनाओं से नहीं जोड़ेंगे, हाँ, कि चाहे हमारे पास पत्ते का गिरना, बादल का बरसना, चाहे हमारे चारों तरफ जितने भी घटनाएं हैं वो सभी साइंस से रिलेटेड है, तो हम सभी बच्चों को पहले तो प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान दिलाते हैं कि जितना हम उनको थ्योरी कराते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उनको प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान जाता है. हमारे पास प्रैक्टिकल लैब है, तो बच्चों को टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल लैब में ले जाकर उनको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और उनकी थ्योरी भी क्लियर कराई जाती है. और रही बात आपकी दोनों पदों को संभालते हुए, एक एज ए साइंस टीचर और एज ए इंचार्ज, तो मेरे लिए ये डबल चुनौती हो जाती है कि मैं इन बच्चों को कैसे इनके अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सकूं. जी. क्योंकि जिम्मेदारी दोहरी हो गई है, तो इसलिए अब इन बच्चों को मैं अधिक से अधिक समय दे पाता हूं अपने पीरियड अरेंज कर ताकि वो बच्चे आगे चलकर साइंस में कुछ अच्छा कर सके. जैसे कि अभी गावड़िया सर ने बताया कि साइंस के साथ बच्चे चाहे वो बायोलॉजी ले चाहे वो मैथ्स ले, साइंस उनके लिए ज़रूरी है. बच्चे आगे चल के IIT क्लियर करना चाहे या PMT क्लियर करना चाहे, दोनों के लिए साइंस कंपलसरी है. तो इसलिए साइंस पर हमारा विशेष ध्यान होता है और मैं इसकी जिम्मेदारी खुद ही संभालता हूँ. और हमारा जो उद्देश्य है केवल और केवल यह है कि बच्चे का 100% आना. और हम केवल जो मेरिट वाले बच्चे हैं केवल उन्हीं पर फोकस नहीं होता है, हमारा उन बच्चों पर भी फोकस होता है जो एवरेज बच्चे होते हैं. जो बच्चे मेरिट वाले होते हैं उन पर तो होता ही है, वे तो अच्छा करेंगे ही, उन्हें तो केवल गाइडेंस की ज़रूरत है और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है. लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं उन पर हमारा विशेष फोकस होता है ताकि वे भी अच्छा कर सके, वे भी अच्छे मार्क्स ला सके और अपने सपनों को साकार कर सके. थैंक यू सर. संदीप सर, थैंक यू वेरी मच.